ग्रामीण खबरों के लिए देखते रहिए बीएनपी न्यूज लाइव, लेटेस्ट चैनल ऑफ ऑनलाइन मीडिया। फलोदी शहर के स्टेडियम मैदान रोड पर स्थित पीएसजी परिसर में आज फायरिंग की वारदात हुई। बताया गया कि बाइक पर सवार होकर आए तीन हमलावरों ने कार्यालय में प्रवेश कर रहे एक कर्मचारी पर एक एक करके तीन गोलियां दाग दी। इनमें से दो गोलियां कार्यालय की फर्श पर लगी तथा एक हवाई फायर हुआ। इस फायरिंग से सहयोग से कर्मचारी बाल बाल बच गया। बताया गया कि आपसी रंजिश के चलते ये वारदात हुई है, जिसे मौके पर अफरा तफरी फैल गई। इसकी सूचना मिलने पर एसडीएम व पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके पर उपस्थित कर्मचारी ने एक आरोपी को दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। एसी साहब ने अभी मुझे थोड़ी देर पहले इन्फॉर्म किया फ़ोन करके कि उनके पास में पुलिस का नंबर नहीं है, उनके ऑफिस में अभी कोई फायरिंग हो रही है। और एसएचओ साहब को इन्फॉर्म करने के साथ साथ ही मैं इनके ऑफिस पहुंचा और वो व्यक्ति वहां से फरार हो चुके थे। कुछ कर्मचारी उनके पीछे गए, एक व्यक्ति को उन्होंने दबोच के पुलिस के हवाले कर दिया और दो व्यक्तियों के पीछे अभी भी पुलिस है और उनको पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। क्या कुछ कांड रहे होंगे, कुछ पता चला सर? हाँ, इनके कर्मचारी है जिनकी फरार कर जो इन्होंने फायर किया, उनसे कुछ व्यक्तिगत रंजिश बताई गई। क्या हुआ फायरिंग करी? कौन कौन थे? हजारी राम, अशोक कुमार। कहाँ के निवासी? मोटई का। मैं गाड़ी लो करके रह जी दौड़ी जी ला रहा तीन जना, दो जने फायरिंग करी, एक जने मोटरसाइकिल घुमा। कितना राउंड किया? तीन। आप कहाँ बैठे थे? मैं बैठे गए गाड़ी लो कर, मैं बड़े ऑफिस में। कौन से ऑफिस? वाटर बॉक्स ऑफिस। गिरफ्तार किया किसी को? एक जने पकड़ियो। ठीक है। गोपालगढ़ के उपखंड अधिकारी सुकराम पंडेल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ओसरा की कक्षा 9 से 12 तक की 93 बालिकाओं को भामाशाह की मदद से ट्रैक सूट वितरण करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत बालिकाओं को आगे बढ़ने का हौसला अफजाई किया। पंडेल उपखंड क्षेत्र की कक्षा 9 से 12 तक की सरकारी विद्यालय की 2500 बालिकाओं को ट्रैक सूट वितरण करने का बीड़ा उठाया। फलोदी में दूसरा दशक परियोजना के तत्वाधान में दो दिवसीय विज्ञान मेले की शुरुआत समारोह पूर्व हुई। विज्ञान मूल प्रदर्शन के तहत 14 स्कूलों के 98 विद्यार्थियों ने 17 मॉडल्स प्रदर्शित की। मेले में विज्ञान मूल के साथ साथ ऊंट डरते भी आकर्षण का केंद्र रहा। यह विज्ञान मेला अजीम प्रेम जी फिलेंथ्रेपिक इनिशिएटिव व हेमचंद जयनारायण पुरोहित चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मेले में कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ऊंट के कर्तव्यों ने भी मेले में आए विद्यार्थियों व समुदाय के लोगों को खूब मनोरंजन किया। ऊंट द्वारा विभिन्न प्रकार के कदमों की चाल उन्नति से दर्शक बहुत प्रभावित हुए। डीडवाड़े से आए ऊंट के प्रशिक्षक प्रभु सिंह ने इस अवसर पर अपने ऊंट के दर्शकों में उपस्थित अतिरिक्त जिला कलेक्टर हकम खां को माल्यार्पण कराया। उन्होंने प्रशिक्षित ऊंट के कर्तव्यों की सराहना करते हुए कहा कि जीव जंतुओं को प्यार करना, उसे बचाना भी हम सभी का दायित्व बनता है। जोधपुर के नगर निगम वार्ड नंबर 10 कमला नेहरू नगर में मदीना मस्जिद से अरोड़ा पार्क जाने वाले रास्ते पर सीवरेज लाइन लीक हो चुकी है। वहीं इस लीक होने से वहां पर मुख्य सड़क पर कीचड़ फैला हुआ है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि यहां पर पिछले कई महीनों से बीमारी को निकलता है, कीचड़ ऐसे ही फैला रहता है। वहीं क्षेत्रवासियों का स्थानीय पार्षद मेघराज लोहिया पर आरोप लगाया कि मतदान के समय वोट मांगने तो कई बार यहाँ आए, लेकिन पार्षद बनने के बाद कभी इधर दिखाई तक नहीं दिए। वहीं इस मामले को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है और इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने पार्षद के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। सफाई करके चले जाते हैं पर वापस चौक ही रहती है। मशीन भी लाते हैं, सब कुछ लाते हैं पर सफाई नहीं हो पाती है। आगे की भी लाइन ऐसे कैसे चौक होती है, ऊपर से भी ऐसे कैसे चौक होती है, ये रोज का है। ये पिछले 5-6 महीनों से इसी तरह से। जोधपुर शहर के रतनाड़ा स्थित एस इंटरनेशनल स्कूल में आज साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन में सभी बच्चों ने भाग लिया। नर्सरी से 9वीं तक के छात्रों ने साइंस से संबंधित मॉडल एवं प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए, जिसमें विद्यार्थियों ने इन्वर्टर जनरेटर इलेक्ट्रॉनिक कार विंडमिल एवं लिफ्ट की कार्यप्रणाली को वाटर हार्वेस्टिंग समझाते उन्हें चलाकर बताया। विद्यार्थियों ने स्मार्ट सिटी एवं क्लीन इंडिया के मॉडल बनाकर प्रस्तुत किए। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपने देश को साफ सुथरा रखने का भी संदेश दिया। वायुमंडल को प्रदूषण से कैसे बचाकर सुरक्षित रखना है, ये भी समझाया गया। उन्होंने अंतरिक्ष से संबंधित तारामंडल एवं स्पेस का वर्णन किया। हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाकर वर्षा के पानी को एकत्रित करने की विधि भी दर्शाया। ग्रीन हाउस की गतिविधियों का वर्णन भी उन विद्यार्थियों ने किया। वहीं विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट एवं चिड़ियाघर की मॉडल भी बच्चों ने बनाया, जिसे बाघ को बचाने का संदेश भी दिया गया। साइंस एग्जीबिशन का उद्घाटन मुख्य अतिथि एसरिया कॉलेज के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह राठौर द्वारा किया गया। उन्होंने एग्जीबिशन का निरीक्षण करते हुए बताया कि विज्ञान मॉडल द्वारा ही पढ़ा जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों के कार्य की सराहना करते हुए सभी को बधाई दी। डॉक्टर अभिमन्यु सिंह शेखावत ने भी एग्जीबिशन का निरीक्षण कर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। दूसरी तरफ नर्सरी से 9वीं तक के विद्यार्थियों ने आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन वेस्ट सामग्री को उपयोग मिलाकर उनसे सुंदर सुंदर उपयोगी सामान बनाकर प्रदर्शन
किए। वास्का परिदृश्य के तहत तमिलनाडु की 25 सदस्यीय अध्ययन दल की एक टीम 7 मार्च को सवेरे 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सिरगढ़ क्षेत्र का दौरा करेगी। जिला प्रशासन नरेगा के सहायक बेंदा ओम प्रकाश परियार ने बताया कि इस अध्ययन दल की टीम में एक आईएएस अधिकारी भी शामिल रहेंगे। वे सिरगढ़ क्षेत्र के तेना गाँव में जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन नरेगा योजना के तहत टांके, वृक्षकुंज, अनाज भंडार आदि का अवलोकन करेंगे, जिसकी पूर्व तैयारी को लेकर उन्होंने तेना में जल संरक्षण कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान सहायक अभियंता वेद प्रकाश शर्मा, सहायक अभियंता कुंभ सिंह व समाज सेवक भगवान सिंह भी मौजूद रहे। बालेश्वर के भारती फाउंडेशन द्वारा संचालित सत्य भारती स्कूल हरिनगर के संसाधन कक्ष में आपदा प्रबंधन पर 28 सत्य भारती स्कूलों के मुख्य अध्यापकों एवं जिला टीम को प्रशिक्षण दिया गया। राज्य आपदा प्रतिसाद बल राजस्थान की एक कंपनी जोधपुर के कंपनी कमांडर गुलाब राम एवं उनकी टीम ने विभिन्न आपदाओं पर प्रदर्शनी के माध्यम से सभी सहभागी को प्रशिक्षित किया, जिसमें जल आपदा, आग आपदा एवं अन्य प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान भारतीय फाउंडेशन जोधपुर के जिला समन्वयक रामकिशोर यादव ने धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित किया। प्रशिक्षण के दौरान रूप के रूप से प्राथमिक उपचार, आग की चोट और दुर्घटना में प्राथमिक उपचार, आग लगने, भूकंप आने, बाढ़ आने एवं इसी जल में डूबने की स्थिति में कैसे बचाव किया जा सकता है। जोधपुर के लोहाट राजकीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संगम 2020 के तहत पूर्व विद्यार्थी स्नेह मिलन व भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री विभागीय आरसा के मुख्य अतिथि में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले भामाशाह को सम्मान भी किया गया। इस दौरान इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर विभिन्न स्तरों व देश का समाज की सेवा करने वालों तथा इस गांव का नाम रोशन करने वालों का भी सम्मान समारोह आयोजित हुआ। वही कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई तथा उपस्थित मेहमानों का भी सम्मान किया गया। गोपालगढ़ ब्लॉक के सरकारी व गैर सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरादेसर में उपखंड अधिकारी सुखराम पंडेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जाखड़, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनोलाल मीणा की अध्यक्षता में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के साथ सम्पन्न हुई। इस दौरान विद्यालय में आने वाले विभिन्न समस्याओं को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जानकारी भी दी। गोपालगढ़ कस्बे की महिलाओं बाल विकास परियोजना कार्यालय में आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं की आम जनता के जानकारी पहुंचाने व समय पर केंद्र को खोलने के लिए कार्यवाहक से डीपीओ सीमा बत्रा ने बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं को लेकर श्री डीपीओ सीमा बत्रा ने जानकारी भी दी। ग्रामीण खबरों के लिए देखते रहिए बीएलपी न्यूज लाइव, लेटेस्ट चैनल ऑफ ऑनलाइन मीडिया।